गाइज, आप में से बहुत भाइयों की कमेंट आ रही थी कि टेक्नो भाई कोबरा बंडल कब रिटर्न आने वाला है, क्योंकि न्यू ईवो पैराडॉक्स बंडल आ रहा है तो उसके आने से पहले कोबरा बंडल रिटर्न जरूर आना चाहिए, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एक बार गाइज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कोबरा बंडल निकालोगे या नया ईवो पैराडॉक्स बंडल निकालोगे, और यह भी बता देना आपने कितने डायमंड इकट्ठे करके रखे हुए अपनी आईडी के अंदर। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर कोबरा बंडल रिटर्न के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी डेट होगी, क्या इवेंट होगा, मतलब जो भी आपके डाउट है कोबरा बंडल रिटर्न के रिगार्डिंग वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। एंड साथ में गाइज न्यू ईवो पैराडॉक्स बंडल के बारे में बात करेंगे, उसके डेट एंड इवेंट्स क्या होंगे, उसको निकालने में आपके कितने डायमंड खर्च होने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पे और भी मस्त मस्त अपकमिंग इवेंट्स हैं, जैसे कि यार फ्री फायर जो है पुष्पा के साथ कोलैब करने वाले हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी यार नेक्स्ट टॉप अपेंट हो गया एंड और भी गाइस यहाँ पे मस्त मस्त अपकमिंग इवेंट्स, तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों की काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी, उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स में पिक कर लिया तो उनका रिप्लाई इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। आपके मन में भी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर तो भेज दीजिए कमेंट कर दिया करें, सबका रिप्लाई आपका टेक्नो भाई करता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखेगा और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को अप्लाई कर देता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो से पिक किया। पहली कमेंट आ रही है कृष्णा यादव की तरफ से, ये भाई कह रहे हैं इमोट पार्टी कब आएगा। ब्रो देखो इमोट पार्टी इवेंट का बैनर तो निकल के आ चुका है लेकिन डेट कन्फर्म नहीं हुई है, आप देख सकते हो। एंड जहाँ तक गाइज इस मई महीने के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कि आ पाएगा, तो जो नेक्स्ट मंथ है जून महीना उसके फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर अंदर हमें ये न्यू इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते, सरप्राइजली गिरने वाले इस महीने के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, डेट अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इसके अंदर जो इमोट्स वगैरह रहेंगे वो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सीन है भाई फिलहाल अभी इमोट पार्टी इवेंट का। एंड गाइज यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आ रही है आपका चिंता मेकल कुछ ऐसे करके भाई का नाम है, तो ये भाई बोल रहे हैं भाई जॉम्बी समरिया बंडल कब आएगा। ब्रो जॉम्बी समरिया बंडल की लीक्स यार मार्च महीने के आसपास निकल के आ रही थी, लेकिन यार अब कोई भी यहाँ पे वैलिड लीक्स नहीं निकल के आ रही है, लेकिन हाँ बहुत से सर्वर हैं जिनके अंदर जॉम्बी समरिया बंडल को रिटर्न डाला जा रहा है, तो अपना इंडिया सर्वर के अंदर आना बाकी है। जॉम्बी समरिया बंडल आएगा जल्द, लेकिन अभी जो है गाइस यहाँ पे कोई डेट वगैरह कंफर्म नहीं हो पाई है जॉम्बी समरिया बंडल रिटर्न आने की। सो मे भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ में जॉम्बी समरिया बंडल एंड अपने कुछ बन्नी बंडल्स रिटर्न आने बाकी थे वो सब डाले जाएँ, क्योंकि यार ये महीना तो पूरा पैराडॉक्स इवेंट से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सीन है, और जैसा कि स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा था कि पुष्पा 2 के साथ फ्री फायर का कुछ सीन है कॉलर वगैरह का, तो भाई देखो यहाँ पे गैराना वालों ने प्ले इंस्टाग्राम पे एक न्यू रील निकाली है, इसमें गाइस पुष्पा वाला जो स्टेप्स है ना, जो पुष्पा 2 का नया सॉन्ग आया है उसमें जो स्टेप्स है वो करके दिखा रहा है। एंड यहाँ पे डेटा माइनर्स बता रहे हैं कि ये कोई रील है, ट्रेंड मत समझना इसको, यहाँ पे बहुत बड़ा क्लू है कि पुष्पा 2 के साथ फ्री फायर का कॉलैब हो सकता है और फ्री फायर इंडिया को लेके होगा, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था जब यहाँ पे फ्री फायर इंडिया का नाम आया, बट यार कुछ कह भी नहीं सकते, वैसे भी यहाँ पे 7th एनिवर्सरी आ रही है, ठीक है, फ्री फायर की, तो हो सकता है गाइस यहाँ पे 7th एनिवर्सरी स्पेशल फ्री फायर इंडिया है और फ्री फायर इंडिया के अंदर हमें पुष्पा 2 के साथ कॉल वगैरह देखने को मिले, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, पूरा कंफर्म नहीं कह रहे, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पे जो वीडियो देख के लग रहा है, ठीक है। तो ये सीन है, आपको क्या लगता है अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी यार बात करें नेक्स्ट टॉप इवेंट की, तो भाई देखो फिलहाल जो टॉप इवेंट चल रहा है वो अपना 19 तारीख यानी कि कल एक्सपायर हो जाएगा, और परसों जो है गाइज 20 मई को अपने इंडिया सर्वर के अंदर नया टॉप इवेंट आने वाला है, जो कि गाइज पैराडॉक्स हाइपरबुक का टॉप इवेंट रहेगा। यहाँ पे आपको 100 डायमंड टॉप करने पे पैराडॉक्स की न्यू हाइपरबुक मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है गाइज ये इकलौती हाइपरबुक होने वाली है इस साल की, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दी ओनली वन इन 2024, ठीक है। तो भाई निकाल लेना, जो भी भाई निकालने की सोच रहा है जिसको भी पसंद आए, ओनली 100 डायमंड में मिल गया, बाकी आप अपग्रेड करो या मत करो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो परसों 20 मई को इसका टॉप इवेंट आने वाला है अपने इंडिया सर्वर के अंदर, ये कंफर्म हो चुका है। बाकी जहाँ तक यार इसका रिंग इवेंट भी हमें देखने को मिल सकता है, जो टॉप अप से ना निकाले वो रिंग इवेंट से भी निकाल सकता है इसके आइटम्स वगैरह स्पेशली, समझ रहे हो। और चलिए गाइस अब बात करते हैं अपने न्यू ईवो पैराडॉक्स बंडल के बारे में। देखो भाई इस न्यू ईवो पैराडॉक्स बंडल की जो डेट है वो बताई जा रही है 24 मई, एंड ये हमें अपने टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा गेम में। इसके इफेक्ट एनिमेशन वगैरह सब कुछ आपने देख ही रखा है, इवेंट का रिव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। एंड इसको निकालने में ना गाइस कम से कम आपके 3 से 5 हज़ार डायमंड तो भाई खर्च होने वाले हैं एवरेज, तो 3 से 5 हज़ार डायमंड अपनी आईडी के अंदर बचा के रख लेना जो भाई निकालना चाह रहा है। बाकी 24 में इसकी डेट बताई जा रही है, एक आध डेट ऊपर नीचे हो सकती है। एंड बात करते हैं गाइस अपने कोबरा बंडल रिटर्न के बारे में। देखो भाई कोबरा बंडल रिटर्न के रिगार्डिंग कोई वैलिड लीक्स या बैनर तो नहीं निकल के आया गेम के अंदर डेटा माइनर की तरफ से, लेकिन गाइस कुछ कह भी नहीं सकते, यहाँ पे गैरना वाले सरप्राइजली कोबरा बंडल को रिटर्न भी डाल सकते हैं, बट 22 मई से पहले पहले अगर आना होगा कोबरा बंडल तो गेम के अंदर आ जाएगा, वरना गाइस फिर हमें जुलाई महीने के आसपास कोबरा बंडल रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो यार ये टोटली डिपेंड करता है गैरना के ऊपर। एंड यहाँ पे पहले लीक्स ये भी निकल कर रही थी कि कोबरा बंडल या स्कॉर्पियो बंडल में से कोई एक ईवो बंडल को रिटर्न डालेगा, तो हो सकता है कोबरा बंडल की जगह
स्कॉर्पियो ईवो बंडल को रिटर्न ला दे, लेकिन हाई चांसेस रहेंगे कोबरा बंडल की, वो भी 22 मई से पहले पहले अगर रिटर्न आना होगा तो आ जाएगा अपने टोकन टावर टाइप के इवेंट के अंदर या रिंग इवेंट के अंदर भी आ सकता है, उसमें और भी आइटम्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सीन है भाई कोबरा बंडल का। सो 50-50% चांस चल रहे हैं 22 मई से पहले आएगा तो आ जाएगा, वरना फिर गाइस हमें जुलाई महीने में रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी आप बताओ, आप कोबरा बंडल का वेट करोगे या ईवो पैराडॉक्स बंडल निकालोगे? और देखो यहाँ पे जैसी और वैली लीक्स निकल के आते हैं कोबरा बंडल की, वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। तो बस यार इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।